पाव काना सरस्वती बाजे भीर बाजनी बते यज्ञ वस्तु दिया वसो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचार बैठ कर ये समस्याएं सबे रक्षा चाहते हो रक्षा चाहते हो गर लाज की बात मानो ऋषि राज के कल की परसों की बातों को छोड़ो बरसों पहले ये आवाज दी बात मानो ऋषि राज के रक्षा चाहते हो गर लाज की बात मानो ऋषि राज के आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले ये क्या कर रहे तेरी अस्थि मिटा देने को तन के कण कण में विष भर रहे चाल घातक दगा बाज की बात मानो ऋषि राज के रक्षा चाहते हो गर लाज की बात मानो ऋषि राज के सर के ऊपर से चोटी गई गल से यह जो पवित्र भी गया धर्म संस्कृति मर्यादा का कहे युग वो बीत गया हो बीत गया
घड़ी नाजुक बड़ी आज की बात मानो ऋषि राज के, रक्षा चाहते हो गर राष्ट्र की बात मानो ऋषि राज के। वो जीवन भी जीना है क्या जिसमें जीने का साहस नहीं, वो जाति भी जिंदा नहीं जिसका कोई इतिहास नहीं, हो इतिहास जिंदगी क्या है मोहताज की बात मानो, ओ बात मानो ऋषि राज की। आर्य समाज के मंदिर में उपस्थित आदर व सम्मान के योग्य आदरणीय हमारे मंत्री श्यामलाल जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री श्याम के जी भाई, कैलाश जी, त्रिलोकी जी, हमारे पुरोहित आदरणीय श्री रमेश जी, और राष्ट्र के होनहार समस्त राष्ट्र के करधार सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा के योग्य माताओं एवं बहनों, वेद में एक मंत्र आता है उसकी सुक्ति आपके साथ में बोल रहा हूं, वयम राष्ट्र जाग्रामी पुरोहिता। हम लोग जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना, उस राष्ट्र की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है, और हम राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, आलसी ना रहें, प्रमादी ना रहें। ये जो राष्ट्र है ये हमारा पिता है, बोलो क्या है, पिता है ये राष्ट्र, और इस राष्ट्र के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि हम रहे या ना रहे पर राष्ट्र रहना चाहिए, हमारा देश वतन बोलो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कभी उनके इतिहास को उठा करके पढ़ना, घर में ऐसो आराम के सारे साधन मौजूद थे, पर जब राष्ट्र को खतरे में देखा, जब राष्ट्र के ऊपर आंच आने लगी, राष्ट्र का अस्तित्व मिटने लगा, पराधीन होने लगा, तो इस देश के लोगों ने जंगे आजादी लड़ी, जंगे आजादी लड़ी। पर धर्म प्रेमी बंधुओं, उस स्थिति को देखता हूं और आज की स्थिति को देखता हूं तो लगता है कि आज राष्ट्र से प्रेम नहीं है, आज राष्ट्र जो हमारा पिता है उसका प्रेम नहीं है। अभी 10-15 दिन हुए हैं 1,000 करोड़ की संपत्ति इस देश के लोगों ने फूंक दी, मायने रखती है 1,000 करोड़ की संपत्ति, और भी बहुत कुछ नुकसान अव्यवस्थाएं फैलाई इन लोगों ने, तो बोलो क्या ऐसे राष्ट्र की रक्षा होगी या राष्ट्र पराधीन होगा। पहले लोगों को वतन की चिंता थी पर आज लोगों को वतन की चिंता नहीं है, वेतन की चिंता है, वेतन की। आज का व्यक्ति वतन के लिए जान नहीं दे सकता पर वेतन के लिए जान दे सकता है और देता है व्यक्ति।
धर्म प्रेमी बंधुओं, इसीलिए तो मैंने पंक्तियां बोली थी कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या क्या होंगे अभी। बैठ करके विचार लो ये समस्याएं सब, क्योंकि ये भगवान की कृपा है या हम लोगों का ये सौभाग्य है जो दो व्यक्ति मिले हुए हैं जो हिंदुत्व की राष्ट्र की बात करते हैं, आदरणीय हमारे योगी जी और मोदी जी। इन दो व्यक्तियों ने जो सम्मान राष्ट्र का बढ़ाया है या जो हिंदुत्व की बात की है, इससे पहले किसी ने नहीं की। और देखो आज यदि हम लोग राष्ट्र धर्म के प्रति, तो ध्यान देना वही स्थिति पुनः आ जाएगी जो मुगलों ने हमारे साथ में किया। आप जानते हैं हम कितने वर्ष मुगलों के उसमें पराधीन रहे और कितने अत्याचार इन लोगों ने किए, और आज भी ये लोग कहते हैं कि 40 में जो है ना 40 में इस्लामिक देश घोषित कर देंगे, इसको इस्लामिक देश। हम एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके मकान बनाने में लगे हुए हैं और वो 10-10 बच्चे पैदा करके इस देश को कब्जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए हमें राष्ट्र के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हम राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें, विरोध करें, पर ऐसा विरोध करें जो सही विरोध हो। राष्ट्र की संपत्ति फूंकने से समाधान नहीं मिलता है। और बहुत सारे रास्ते हैं हक लेने के लिए, या और बहुत सारे रास्ते हैं विरोध करने के लिए। राष्ट्र की संपत्ति की जब बात आती है तो बड़ा दुख होता है। दुख होता है जब आचार्य चाणक्य जैसे नेता को देखते हैं। जब वो राज का काम करते थे तो राज का दीपक जलाते थे, और जब कोई व्यक्ति मिलने के लिए आ जाता था उसको बुझा करके अपना व्यक्तिगत जलाते थे, अपने आप फटा कंबल ओढ़ते थे और लोगों को अच्छे अच्छे कंबल वितरित करते थे वे लोग। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, और उनकी संतानें जो हैं देशद्रोही अगर बन जाएं तो बड़ा दुख की बात है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा पिता है। पिता इतिहास के पन्नों में तो ये कह दिया जाता है कि राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी। पर ध्यान देना, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र ही सबका पिता होता है। राष्ट्र ही सबका पिता होता है। उन लोगों को याद कर लें कि जिन लोगों की बदौलत हम लोग स्वतंत्र होकर के बैठे हुए हैं। उन लोगों को याद करना चाहिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस राष्ट्र को आजाद कराया। और जो जाति अपने वीरों को याद नहीं करती, उस जाति का अस्तित्व मिट जाता है। वो जाति गुलाम हो जाती है जो अपने वीरों के पद चिन्हों पर अपने वीरों को याद नहीं करती है। कैसे मिली थी ये आजादी, इस आजादी को लाने वाला कौन था? आज तो इतिहास के पन्नों में ये लिखा मिलता है, ये गीत गाए जाते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पर ध्यान देना, बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल। ये इतनी बड़ी झूठ जिसकी मिलती नहीं मिसाल, मिलती नहीं मिसाल। किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी, गांधी तन लई आजादी, गांधी तन लई आजादी, रोज चला के चरखा आजादी को लाने वाले, सोदा कर गए सरकार, गांधी तन लई आजादी,
रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी मुंदे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते, एक अंगुली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते। उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते, आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते, आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। निकले पीछे फेर दोबारा मुना देखा घर का, गांधी तन लई आजादी रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी पाइया सूत काता करते थे गांधी जी दो दिन में, उधम सिंह ने डायर मारा जाकर के लंदन में, चरखे वाले का करे थे फायदा नान वन में, चंद्र शेखर बोल उठा हम कौन रहे बंधन में, कैसे सागर पार किया पढ़ो किस्सा सबर कर का। गांधी तन लई आजादी रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। गांधी तन लई आजादी रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले तो सौदा कर गए सरकार। और मुंदे गोडे मार के गांधी चरखा चलाया करते, एक अंगुली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते। जब गांधी चरखा चलाया करते उस समय पर आजाद हिंद में नौजवान खून से अपना नाम लिखाया करते, और मुड़कर के एक बार भी घर को नहीं देखा उन लोगों ने। पाइया सूत जब काटते थे महात्मा गांधी उस समय पर उद्धम सिंह डायर को मारता था। धर्म प्रेमी बंधुओं, कैसे सागर पार किया पढ़ो किस्सा सावरकर का, पढ़ो किस्सा सावरकर का। सावरकर जैसे नौजवानों के बलिदान से ये देश आजाद हुआ। आज के नौजवान से पूछ लिया जाए कि देश को आजाद कराने में वीर सावरकर की क्या भूमिका है, तो आज का नौजवान नहीं बता पाएगा। वीर सावरकर वो नौजवान था जिसने बैल की तरह से कोल्हू चलाया, कोल्हू चला चला करके जमीन पर गिर गया, पानी पीने के लिए मांगा, पानी नहीं दिया, तो एक अंग्रेज ने उस वीर सावरकर के मुंह पर पेशाब किया था। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक बार को तो उस वीर सावरकर के मन में आया कि इससे बढ़िया तो आत्महत्या कर लूं, पर जब भारत माता को देखा कि भारत माता बंधन में है, ये रास्ता तो कायर वालों का है, ये रास्ता तो कायर पुरुषों का है, वीर पुरुष तो जो है लड़ते हैं, वीर पुरुष तो जो है हार नहीं मानते, फिर जो है कोल्हू चला चला करके नस नस गरमाई थी। और सबसे पहले इस देश को आजाद कराने की जो प्रेरणा दी, इस देश में क्रांति की जो चिंगारी सुलगाई, वो महर्षि स्वामी देवदयानंद जी ने सुलगाई।
उन्होंने कहा था यते मही स्वराज्य, अपने देश में अपना राजा सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता है। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी के प्रवचनों को सुनकर के, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके अनेक लोगों ने महर्षि दयानंद को अपना गुरु मान करके देश के लिए तैयार हो गए थे आजादी लड़ने के लिए। कौन भुला सकता है सरदार भगत सिंह के उस इतिहास को। सरदार भगत सिंह की एक नहीं, दो नहीं, चार पीढ़ियां राष्ट्र की बलिवेदी पर आहूत हो गई। सरदार अर्जुन सिंह जब महर्षि स्वामी देव दयानंद जी के प्रवचनों को सुनते हैं तो प्रभावित होते हैं, मोहित हो जाते हैं। उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हुए दयानंद जी ने कहा था कि सरदार अपने देश में अंग्रेजों का शासन है, इनको यहां से भगाना होगा। अपने देश को आजाद करने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। उस समय पर सरदार अर्जुन सिंह ने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा करके छोड़ूंगा। बड़ा अत्याचार अंग्रेज इस देश के लोगों के ऊपर कर रहे थे। सोना उगलती थी जमीनें, बहुत बड़े जमींदार अच्छे संपन्न परिवार से थे सरदार अर्जुन सिंह, भगत सिंह, किशन सिंह। पर जब देश को खतरे में देखा, गुलामी की जंजीरों में देखा, तो सारे ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़ करके अंग्रेजों से भिड़ गए। उन्हीं के घर में जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार करते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर रहा हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माताओं के बेटे देश की रक्षा के लिए काम आ जाते हैं, वे परिवार आदरणीय, वे परिवार बड़े धन्य होते हैं, जिनका जीवन देश और धर्म जाति के लिए काम आ जाता है। चंद्र बोस ने कहा था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जिस व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसको तो बंदूक की गोली से उड़ा दो, वेद कहता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, विचार किया करो, कभी उनके दर्द को देखा करो, कभी उस घटना को अपने घर से लिया करो कि जिन बेटों का, जिन माओं के बेटे देश की रक्षा पर शहीद हो जाते हैं। पुलवामा का जब हमला हुआ था, हिला करके रख दिया था उस घटना ने। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी होने वाली थी, ऐसे भी थे जो नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके रक्षा में चले गए थे। तब मुझको पंक्तियां याद आती हैं, राष्ट्र कवि हरिओम पवार जी ने उस समय का वर्णन अपनी कविता के माध्यम में किया है। जरा ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को। जो पहले पहले बाद मिलन के तुरंत लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, उनको भी मीठी नींदों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में भीगी यादों की करवट याद रहे होगे। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीस बसंतों के मधुमासे सावन हवन हुए होंगे। जब बेटे की अर्थी आई
होगी सुने आंगन में शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। चुपके चुपके रोई होगी गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। उन आँखों की दो बूंदों से उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं वो औरत पूरी पृथ्वी का वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को खुद कांधा दे सकते हैं। मैं हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ इसलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ इसलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं मैं निवेदन करने लगा हूँ कि राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने यहाँ की माताओं ने यहाँ की बहनों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। कौन भुला सकता है शास्त्री देवी को जो राम प्रसाद बिस्मिल की बहन थी। अंग्रेजों के झूठे कप धो करके अपनी टांगों पर राई फले बांध करके उसने क्रांतिकारियों की सहायता की। नेता सुभाष चंद्र बोस की एक बहन थी नीरा। अंग्रेजों ने पूछा बताओ नेता सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ है। उसने नहीं बताया तो उसके अंग अंग को काट दिया गया इन अंग्रेजों ने। मां दुर्गा भाभी जिसने सरदार भगत सिंह के साथ में पत्नी बनने का रोल अदा किया सरदार भगत सिंह को बचाने का काम किया जब पुलिस उनको ढूंढ रही थी। आपने एक फोटो देखा होगा उनका हेडकोर्ट का फोटो देखा होगा भगत सिंह का। दुनिया की नजरों में वो पति पत्नी होते थे बाहर और अंदर जो है वो माँ और बेटा होते थे। चरण स्पर्श करके दूसरी तरफ चला जाता था। मेरी माता बहनों ने बुजुर्गों ने नौजवानों ने इस देश को आजाद कराया पर इस देश के लोग उनके बलिदान को भूल गए। उन्होंने जो कीमत चुकाई है उस कीमत को भूल गए। समय दौड़ चला है बहुत सारी बातें कहनी थी और राष्ट्रभक्ति की बातें तो बड़ी व्यापक हैं। एक दिन में नहीं कई दिन जो है राष्ट्रभक्ति में चाहिए। मैं निवेदन करने लगा हूं कि हम राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया तो चहचहाने बताओ फिर कहाँ जाओगे। ये जो विधर्मी हैं जिन ये जो ये कहते हैं ना हम अल्पसंख्यक हैं इनके पास में 150 देश है इनको शरण देने के लिए। इनके 150 देश है और भारत का एक भी देश नहीं है एक भी देश। फिर लोग कहते हैं कि कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी पर मैं कहता हूं कश्मीर कराची लाहौर में जाकर देखो वहां बस्ती मिलती नहीं तुम्हारी वहां बस्ती मिलती नहीं तुम्हारी हस्ती बची कहां। पाकिस्तान हमारा था
ये कराची, ये लाहौर, बहुत सारे हिस्से, अब ये कश्मीर को, ये तो मोदी आ गए ना तो ये कश्मीर भी ले लेते, दिल्ली तक इनके इरादे हैं, और बहुत सारी इनके मन में योजना है कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसी ऐसी बातें ये मूर्ख लोग करते रहते हैं। और इस देश में रहने वाले मुसलमान खाते यहाँ का है और गाते वहां की है, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है आप, पर वहां का, वहां की तो छोड़ दीजिएगा, जहां इनका बाहुल्य क्षेत्र है ना, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान की तो दूर की बात है। तो राष्ट्रभक्ति भी हमारे जीवन में होनी चाहिए, और ये मंच ही राष्ट्रभक्ति की, देश की, धर्म की, परिवार की, सारी चीजें ये करता है। अन्य कोई मंच नहीं है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता हो, उन वीरों को याद करता हो, उन सैनिकों को याद करता हो। तो समय तो और चला है, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, मैं आभार प्रकट करता हूँ, वाणी को विराम, शांति पाठ। ओम जौ शांति अंतरिक्ष कुं शांति पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति विश्वे ओम शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि स्वामी दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, नेता सुभाष चंद्र बोस की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।